आज हम ये UAPA के misuse के बारे में मिल रहे हैं, लेकिन समस्या उससे भी बड़ी है। आज जो समस्या हमारे देश में खड़ी हो गई है उससे कहीं बड़ी है, क्योंकि UAPA का तो misuse एक तरफ है कि जहां किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके उसकी मेंबरशिप या कोई भी जना उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी इनोकुअस सा काम भी करे, जैसे अब साई बाबा के खिलाफ जो चार्ज लगाया है वो ये है कि उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन सप्लाई करी। अगर वो इनोक्यूअस इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी नहीं है जो कि क्रिमिनल, कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। जस्टिस कार्जू ने सुप्रीम कोर्ट में तो जजमेंट दिया था कि भाई मेयर मेंबरशिप ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन कैनॉट बी मेड ए क्राइम जब तक कि आप कुछ ऐसा काम ना करें जो कि अपने आप में कोई क्राइम कमिट करता है या क्राइम की कॉन्स्पिरेसी करता है। तब तक सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप भी होना कोई क्राइम नहीं माना जा सकता, नहीं उसको करार दिया जा सकता, और ऐसा किया गया तो फिर हमारे हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा, क्योंकि हमको फंडामेंटल राइट है ऑफ एसोसिएशन। जब तक हम कोई ऐसा काम ना करें उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जिससे कि कोई भी क्राइम कमिट होती हो, उसमें बेल वगैरह के भी बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, कन्फेशन वगैरह वगैरह के भी, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि बहुत ये एक ड्रेकोनियन कानून है जिसमें साई बाबा, प्रोफेसर साई बाबा जैसे जने को सिर्फ बंद ही नहीं कर दिया, उनको कन्विक्ट भी कर दिया, और उनकी फिजिकल हालत जो है आप लोग सब जानते ही हैं कि वैसे ही वो व्हीलचेयर कन्फाइंड थे, और वहाँ जेल में तो उनकी हालत और बहुत ख़राब हो गई है, फिर भी उनको बेल नहीं दी जा रही जब तक, जबकि उनकी अपील पेंडिंग है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सीधा सीधा इस कानून से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि आज देश में समस्या इससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो लोग मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, उनके ऊपर केस रजिस्टर करके उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, चाहे वो सेडिशन के चार्ज पर हो, चाहे वो आईटी एक्ट के तहत हो, चाहे किसी और कानून में। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक चाहे वो गुजरात के दंगों में जो लोग अक्यूज थे, अभी माया कोदनानी को भी छोड़ दिया, बहुत सारे और लोगों को छोड़ दिया, चाहे वो फेक एनकाउंटर्स में बहुत सारे लोग अक्यूज थे, सोराबद्दीन का हो, कौसरबी का हो, तुलसीराम प्रजापति का हो, और भी इतने सारे फेक एनकाउंटर्स। आजकल तो यूपी में तो आदित्यनाथ खुलकर छाती ठोक कर कहते हैं कि हाँ हम एनकाउंटर करवा रहे हैं, हम करवाते रहेंगे, 400 से ज़्यादा लोगों के उन्होंने एनकाउंटर करवा दिए, और कोई उनको परवाह नहीं है कि कानून क्या कहता है। ये जाहिर है कि ये सारे फेक एनकाउंटर्स हैं, करीब करीब सारे ही फेक एनकाउंटर्स हैं, उनको इसकी परवाह नहीं है कि कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर्स के बारे में क्या बोला है, उसके क्या प्रोविजंस हैं, किस किस तरह की उसमें जांच होनी चाहिए, कुछ नहीं किया जा रहा। जिसको चाहो पकड़ के मार दो और कह दो कि भाई हमने तो कोई क्रिमिनल का एनकाउंटर करके मार दिया है। तो अपने खिलाफ जो योगी आदित्यनाथ के जो केसेस थे, इतने सारे केसेस उनके खिलाफ रजिस्टर्ड थे। पहली बात तो यही बहुत शर्म की बात है कि ऐसे आदमी जो हिस्ट्री शीटर है उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया, और जो आदमी खुल के छाती ठोक कर कहता है कि अगर कोई एक
हिंदू लड़की को किसी मुसलमान लड़के ने उठा लिया तो हम कोई FIR नहीं लिखाएंगे, हम कानून का रास्ता नहीं ढूंढेंगे। वो कहता है हम तो सीधे जाकर 100 मुस्लिम लड़कियों को उठा लेंगे। मतलब ऐसा आदमी जो ये कहता है और छाती ठोक कर कहता है कि भाई हम कानून के रूल ऑफ लॉ में हम विश्वास ही नहीं करते, हम कानून में विश्वास ही नहीं करते, हम तो जो चाहें वो करेंगे, उस आदमी को आज मुख्यमंत्री बना दिया और अपने खिलाफ जो केसेस हैं एक के बाद एक के बाद एक विड्रॉ करता चला जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हाई कोर्ट भी नहीं रोक रहा, कोर्ट भी नहीं रोक रहा, इसमें कोर्ट भी नहीं रोक लगा रहा। और उल्टा हम लोग देख रहे हैं कि फेक एनकाउंटर्स वाले, गुजरात दंगों वाले, सब बरी होते चले जा रहे हैं। मक्का मस्जिद वाले जो ये सैफरन टेरर के जिसमें केसेस थे, एक के बाद एक सबको लैप्स होते चले जा रहे हैं। और इन्होंने ये NIA एक ऐसी संस्था बना ली, एक और मोदी को वहां लाकर बैठा दिया, एक छोटा मोदी तो भाग गया, दूसरे छोटे मोदी को यहाँ NIA में बैठा दिया। तो और उसके जरिए वहां रोहिणी सालियान जो मालेगांव वाला केस की स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी उनके ऊपर NIA प्रेशर डालती है कि भाई इन लोगों को छोड़ने दीजिए, छूट जाने दीजिए। सब जगह हम ये देख रहे हैं कि मतलब उनके खिलाफ सबूत नहीं पेश किए गए, मक्का मस्जिद में सबूत ही नहीं पेश किए गए कोर्ट में। सोहराबुद्दीन वाले मामले में एक के बाद एक विटनेसेस, वो तो खैर CBI कर रही है, CBI NIA दोनों ही केज पैरेट हो गए हैं, एक के बाद एक विटनेसेस हॉस्टाइल होते चले जा रहे हैं, ना कोर्ट कुछ कर रहा है ना CBI कुछ कर रही। अमित शाह जिसके खिलाफ 1000 पेज की चार्जशीट फाइल करी गई थी CBI के द्वारा, जिसमें सारे फोन कॉल रिकॉर्ड जो ये दिखाते थे कि उनकी रोज 20-20 बार बात हुई उन दिनों जब सोहराबुद्दीन और कौसरबी को मारा गया और उनको कौसरबी को किसी फार्म हाउस में कन्फाइन करके रखा गया था, उन्हीं पुलिस अफसरों से बात हुई जिन्होंने मारा, और बार बार बात हुई और बात करने का और कोई कारण हो नहीं सकता। इतने सारे सबूत जो कि CBI ने अपनी चार्जशीट में लगाए थे, 1000 पेज की चार्जशीट, पहले तो वो जो पहला CBI का जज था उसको तो ट्रांसफर कर दिया क्योंकि उसने ऑर्डर ये दिया कि अमित शाह पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। इस पर जब नाराजगी जाहिर करी तो उसका ट्रांसफर कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि एक ही जज शुरू से आखिर तक ट्रायल करेगा। फिर जज लोया आए, उनकी फैमिली कहती है कि उनको 1000 करोड़ घूस या 100 करोड़ घूस देने की का ऑफर दिया गया कि अमित शाह को बरी कर दिया जाए। उनकी फैमिली कहती है कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, उनकी सिक्योरिटी एक हफ्ता पहले विड्रॉ कर ली गई और नागपुर किसी दूसरे जज के बेटे या बेटी की शादी में गए और वहां पर अचानक उनकी मौत हो जाती है और जो उनका सक्सेसर जज आता है वो एक ही हियरिंग में अमित शाह को डिस्चार्ज कर देता है। और इतने सारे संदिग्ध सवाल खड़े होते हैं, कैरवान में इतनी सारी स्टोरीज हुई जो ये दिखाती हैं कि जो मौत का कारण बताया जाता है कि हार्ट अटैक, वो सही नहीं था। उनकी ECG रिपोर्ट के बारे में पहले विवाद होता है कि ECG हुआ कि नहीं हो पाया क्योंकि मशीन खराब थी, एक जज कहता है ECG हुआ, दूसरा कहता है नहीं हुआ। फिर एक ECG सामने लाया जाता है, उस ECG को मैंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने बोला कि इस ECG में तो कोई हार्ट अटैक का नामो निशान ही नहीं है। और ये ECG उनके हार्ट अटैक होने के 1 घंटे बाद कहते हैं किया गया, जब उनको हार्ट अटैक हुआ, एक अस्पताल ले गए, वहां पर ECG किया गया, उसमें कोई नामो निशान नहीं है हार्ट अटैक का।
और उनकी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आती है उसमें भी कोई नामो निशान नहीं है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, जबकि अगर हार्ट अटैक से मौत होती है तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो हार्ट के टिश्यू का होता है उससे साफ जाहिर हो जाना चाहिए कि हार्ट अटैक से मौत हुई। और ये बात निकलती है कि उनकी बहन को सुबह 5 बजे ही फोन करके बता दिया गया कि उनकी मौत हो गई, जबकि अब कहा जा रहा है कि उनकी मौत 6:10 पर हुई। उनकी बॉडी बजाय उनकी वाइफ के पास भेजने के वहां दूसरी जगह भेज दी जाती है, उनके होम टाउन जहां उनके पिता रहते थे, बगैर वाइफ को बताए, पोस्टमार्टम बगैर फैमिली से पूछे करा लिया जाता है। अब पता लगा है कि पोस्टमार्टम जिस डॉक्टर ने खड़े होकर सुपरवाइज किया वो कोई प्रोफेसर था, वो भाजपा से संबंधित था और उसने ऑर्डर किया कि भाई नहीं लिखो कि हार्ट अटैक से मौत हुई, जबकि उसमें कोई साइन था नहीं हार्ट अटैक का। उसने सुपरवाइज करके ऑर्डर किया कि ये मत लिखो कि उनके सर पर चोट है और खून है। बहन ने बोला कि बॉडी जब उनकी वहां आई तो उनके कपड़ों पर खून था और चोट के भी निशान थे। अब इन सबको नजरअंदाज करके, जो कि हार्ट अटैक में हो नहीं सकता, इन सबको नजरअंदाज करके सुप्रीम कोर्ट ने जांच की मांग भी ठुकरा दी। तो मतलब एक एक करके सबको बरी कर दिया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि भाई सैफरन टेरर तो कुछ था ही नहीं, समझौता एक्सप्रेस, अजमेर दरगाह, मक्का मस्जिद, मालेगांव 1 और 2, अब कहा जा रहा है कि सैफरन टेरर तो कुछ था ही नहीं, ये तो एक कहानी बनाई गई थी। थोड़े दिन में हमको ये सिखाया जाएगा और हिस्ट्री इतिहास की किताबों में भी ये लिखा जाएगा कि गुजरात में तो दंगे हुए ही नहीं, 2002 में कुछ हुआ ही नहीं, फेक एनकाउंटर्स हुए ही नहीं। तो जैसे मैं कह रहा था कि आज समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। ये बिल्कुल पूरा एक जिसको कहते हैं नेकेड फैसिज्म, पूरा फासीवाद का नाच, का नंगा नाच इस देश में आज दिख रहा है कि जो लोग सत्ता में हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमको तो हम ही लोग हैं, पुलिस हमारे हाथ में है, और अब न्यायपालिका को भी अपने हाथ में करते ले जा रहे हैं। अभी जो चीफ जस्टिस के खिलाफ जो महाअभियोग जो आया है उसमें पहला चार्ज ये है कि वो एक मेडिकल कॉलेज वाले केस में ऐसा लगता है जो क्योंकि सीबीआई ने उसमें जांच शुरू कर दी थी और कई जो बिचौलिए थे उनके फोन टैप कर लिए थे, और उनके फोन में जो बातचीत हो रही है जो सीबीआई के हाथ में आई है उससे साफ जाहिर होता है कि वो लोग ये बात कर रहे थे कि भाई क्योंकि ये केस चीफ जस्टिस के बेंच में था और इस केस में फेवरेबल ऑर्डर लेने के लिए चीफ जस्टिस को हमने पैसे तय कर लिए हैं, उनसे पूरी बात हो गई है, 3 करोड़ में सौदा हो गया है, अब अगली हियरिंग इसकी डेट जो है 18 तारीख को है, 18 तारीख से पहले आप पैसा दे दीजिए तो आपके हक में फैसला हो जाएगा, ये सारी बात हो रही है। और चीफ जस्टिस के पास जब सीबीआई की टीम गई कि भाई हमारे पास बिल्कुल पुख्ता सबूत आ गए हैं कि हाईकोर्ट के जज ने इसमें घूस ली 1 करोड़ की, और अब उससे वापस मांग रहे हैं ये लोग पैसे, और ये कल पैसे वापस करने वाला है, हमको एफआईआर रजिस्टर करने की परमिशन दे दीजिए जिससे कि कल हम उसको रंगे हाथ वहां लखनऊ में उनके घर से पकड़ लें, और चीफ जस्टिस ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। अब ऐसे में ऐसा लगता है कि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत इतने हैं कि जब चाहे वो चीफ जस्टिस के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करके शायद उनको अरेस्ट भी कर सकते हैं। अब ऐसे हालात में हम लोगों ने पिटिशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये तो बड़ा खतरनाक मामला है कि एक सरकारी संस्था सीबीआई के पास ये जांच है और जिस जांच में इस तरह के
एविडेंस कलेक्ट हो रहे हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ, जिससे कि चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल किया जा सकता है। और इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बचाने के लिए ये जरूरी है कि ये जांच सरकारी संस्था के हाथ से निकाल कर एक कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी को दी जाए। जो दूसरे नंबर के जज थे चीफ जस्टिस के बाद, उनके यहां जब हमने ये मेंशन किया तो उन्होंने बोला कि पांच जजों की सीनियर, जो सीनियर मोस्ट पांच जज हैं, उनकी खंडपीठ में ये मामला भेजा जाए, क्योंकि बहुत संगीन मामला है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मामला है। लेकिन अगले दिन ही चीफ जस्टिस ने खुद एक पांच जजों की बेंच बना ली, जिसमें कि चीफ जस्टिस और चार जूनियर जज, और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कोई दूसरा जज नहीं कह सकता कि पांच सीनियर जज के यहां भेजा जाए, चीफ जस्टिस ही कह सकते हैं कहां भेजा जाए। हमने उनसे बोला कि भाई देखिए, आपके ये केस आपसे ताल्लुक रखता है, आपको इसको सुनना नहीं चाहिए। लेकिन उस बात को बोला कि नहीं नहीं क्यों नहीं सुनना चाहिए, मुझसे कैसे ताल्लुक रखता है। मैंने बोला कि ये तो जांच उसी केस की हो रही है, सीबीआई उसी केस में घूसखोरी की जांच कर रही है जो केस आपने तय किया है। नहीं नहीं मेरा नाम तो नहीं है। अरे भाई आपका नाम नहीं है, लेकिन साफ है कि वो केस आप ही सुन रहे थे और उसी केस में घूस देने की बात हो रही है। फिर भी खुद फैसला करके और फिर एक तीन जजों के, जूनियर तीन जजों के खंडपीठ में वो केस को लगा दिया और उन्होंने उसको खारिज कर दिया कि नहीं कोई स्वतंत्र जांच या कोई जांच की जरूरत नहीं है, कोई जांच की जरूरत नहीं है। अब मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये चाहते हैं कि भाई सीबीआई ने जो पुख्ता सबूत इकट्ठा कर रखे हैं वो चुपचाप उस पर बैठे रहे और कुछ कराना जाए इस पर, इसका क्या मतलब है। इससे तो यही संकेत निकलता है कि आज इस एविडेंस को यूज करके चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल किया जा रहा है, और वो तैयार है कि ठीक है जब तक कि हमारे खिलाफ सरकार कुछ ना करे तब तक हम करते रहें जो सरकार कह रही है। और यही आरोप सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जजेस, जो चीफ जस्टिस के बाद जो चार सीनियर जजेस थे, उन्होंने लगाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पहली बार चार जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली कि सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन चीफ जस्टिस ठीक से नहीं चला रहे और केसेस किस बेंच के सामने भेजे जाए उसको ठीक से नहीं कर रहे, और इससे लोकतंत्र, देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और हम लोगों को संकेत कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, तुम लोग को जो, तुम लोग जो कर सकते हो करो। अब लोग क्या कर सकते हैं। देखिए मैंने ये कोशिश कर ली कि इस केस की जांच एक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र संस्था करे, उसको ठुकरा दिया गया, उल्टा हमारे ऊपर 25 लाख की पेनल्टी लगा दी गई। तो तुम कैसे ऐसी बात कर रहे हो। हमने एक सुप्रीम कोर्ट में एक इनहाउस कमेटी का एक प्रोविजन है कि भाई किसी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट हो तो आप इनहाउस मशीनरी में कंप्लेंट कर सकते हैं। उस मशीनरी में यह लिखा है कि चीफ जस्टिस के पास कंप्लेंट जाएगी। अब चीफ जस्टिस के खिलाफ ही अगर कंप्लेंट हो तो चीफ जस्टिस के पास हम कंप्लेंट भेजेंगे। तो मैंने बाकी जो पांच सीनियर जजेस थे उनके पास कंप्लेंट भेजी कि भाई आप ही लोग कुछ करिए, इसमें कम से कम कोई जांच तो करवाइए। तो उन्होंने बोला कि नहीं इसमें कोई प्रावधान है नहीं चीफ जस्टिस के खिलाफ जांच होने की, तो हम क्या कर सकते हैं। तो क्या करा जाए, या हम ये देखते रहें कि भाई सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस सरकार के कब्जे में आ जाता है और चीफ जस्टिस अपने मास्टर ऑफ रोस्टर की पावर का दुरुपयोग करके पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस को एक अपने हिसाब से निपटारा करने के लिए जूनियर जजेस या कुछ खास जजेस के पास भेज देता है,
तब तो पूरा सुप्रीम कोर्ट पूरी जुडिशरी सरकार के हाथ में आ जाती है। और यही संकेत इन चार जजेस ने दिया था कि भाई इससे लोकतंत्र खतरे में है, तो क्या किया जाए। इम्पीचमेंट ही एक तरीका है जो संविधान में लिखा है। और जब इम्पीचमेंट मोशन 7 पार्टियों ने 64 MPs ने राज्यसभा के MPs ने मिलकर दिया तो उनके ऊपर ये आरोप सरकार और भाजपा लगाती है कि भाई ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये तो लोया की पिटीशन डिसमिस करने का रिवेंज है। पहली बात तो लोया की पिटीशन तो एकदम से फैसले पर आ गई, ये तो टाइम उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट से बहुत पहले लिया था, लेकिन बहुत बड़ा गंभीर सवाल देश में पैदा हो गया है। एक तरफ एक ऐसी फासीवादी सरकार है जो कहती है कि हम तो कानून को मानते ही नहीं, हमें तो जो करना होगा करेंगे, किसी को मारना होगा ये कह के कि भाई इसने गाय का मांस खा लिया, गाय को मार दिया, कुछ भी आरोप लगा दो और किसी को जाकर मार दो, कि लव जिहाद है किसी को जाकर मार दो, एनकाउंटर है किसी को जाकर मार दो। और दूसरी तरफ जो इन लोगों के खिलाफ इतने गंभीर केसेस हैं उनको विड्रॉ कर लो, या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सबूत ना पेश करे, या गवाहों को गायब करवा दे, और न्यायपालिका देखती रहे। तो इसलिए आज तो पूरा सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, हमारा सिविलाइजेशन ही खतरे में है। आज जिस तरह का गाली गलौच मारने की धमकी सोशल मीडिया और मीडिया में भी दी जाती है, जो जना अगर मोदी के खिलाफ या अमित शाह के खिलाफ या इन लोगों के खिलाफ कुछ बोल दे आदित्यनाथ के खिलाफ, तो सोशल मीडिया पर गंदी गंदी गालियां, भद्दी भद्दी गालियां, मारने की धमकी सब कुछ दी जाती है, मारा पीटा भी जाता है, अरेस्ट भी कर लिया जाता है। और जो लोग ये गाली देते हैं उनको प्रधानमंत्री जो है प्रोत्साहित करते हैं, उनको शाम को चाय पर बुलाते हैं अपने घर पर, अपनी फोटो उनके साथ खिंचवाते हैं। अभी एक आदमी मनीष चंडेला करके, उसने अपने फेसबुक, भारतीय जनता युवा मोर्चा का कोई मेंबर है, उसने अपने फेसबुक पेज पर बोला कि हमने और हमारे साथियों ने रोहिंग्या कैंप को जला दिया। बड़े शान से उसने दावा किया कि हमने जाकर रोहिंग्या कैंप जहां पर बेचारे रेफ्यूजीज रह रहे थे, जो अपना पूरा घर म्यांमार में छोड़कर आए क्योंकि वहां पर उनके खिलाफ जेनोसाइड हो रहा था, करीब करीब सारे ही वहां से भगा दिए गए, उसमें से कुल करीब 40,000 करीब वहां से 10 लाख भगा दिए गए, 40,000 हिंदुस्तान में है, जिसमें से कुछ कई 100 उस कैंप में थे। पूरा कैंप जला दिया गया रातों रात, सब कुछ उनका खत्म हो गया। और भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक आदमी मनीष चंडेला कहता है कि भाई हमको तो बड़ा गर्व है हमारे हीरोज के ऊपर जिन्होंने जाकर ये कैंप जला दिया, और उसके खिलाफ FIR तक नहीं रजिस्टर होती। मैंने कंप्लेंट भेजी पुलिस को, बिल्कुल बकायदा सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगा के उसके फेसबुक पेज के, पुलिस ने आज तक FIR नहीं रजिस्टर करी। और इनफॉर्मली हमको ये कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहा है कि उसका अकाउंट हैक हो गया। अरे ये तो 2 मिनट में पता लग सकता है कि उसका अकाउंट हैक हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद के आप उसके पोस्ट देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बस ये कह देना कि हैक हो गया। तो एक तरफ तो आप जो लोग खुद छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हमने ये क्राइम कमिट कर दी, उनको नहीं अरेस्ट कर रहे, उनके खिलाफ FIR तक नहीं रजिस्टर कर रहे, और दूसरी तरफ जो लोग कुछ भी नहीं करते सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं प्रधानमंत्री को या अमित शाह को या आदित्यनाथ को, उनको आप अरेस्ट कर लेते हैं, उनके खिलाफ FIR रजिस्टर करा देते हैं। तो बहुत ही खतरनाक पॉलिटिकल सिचुएशन है। लेकिन इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि देखिए, आज पॉलिटिकली ये सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है।
हर सेक्शन इनके खिलाफ हो गया, जिन सेक्शंस ने इनको पिछली बार वोट दिए सब खिलाफ हो गए, दलित खिलाफ हो गए, मुस्लिम तो खिलाफ थे ही, ये फार्मर्स किसान खिलाफ हो गए, यूथ खिलाफ हो गया, ट्रेडर्स खिलाफ हो गए, क्योंकि सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया, रूल ऑफ लॉ तो खत्म कर ही दिया, सिविलाइज्ड वैल्यूज तो खत्म कर ही दी, इकोनॉमी भी नष्ट कर दी। तो लोग खिलाफ हो गए हैं, अब सिर्फ इनके पास अब एक, इनको लगता है कि इनके पास एक ही रास्ता है अगले चुनाव, अगला चुनाव जीतने का, और वो ये है कि भाई किसी तरह से देश में बड़े तौर पर दंगे कराओ। और अयोध्या की बात इसलिए ही उठाई जा रही है कि अयोध्या के नाम पर पूरे देश में दंगे कराए जाएं, ये इनकी पूरी कोशिश है और रहेगी, और इसलिए इसके बारे में हमको सचेत रहने की जरूरत है। ये जो फांसी बात चल रहा है उसको तो, उसको उससे तो लड़ना ही है, हर तरह से लड़ना है, हर फ्रंट पर लड़ना है, लेकिन साथ में ये भी हमको ध्यान में रखना है कि अब इनका खेल क्या होगा कि देश में बड़े तौर पर दंगे कराओ, किसी भी तरह से दंगे कराओ। तो आखिर में मैं बस यही बोलूंगा कि साई बाबा को तो रिहा होना चाहिए, बेल उनको मिलनी चाहिए, उनकी अपील की जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन बेल तो तुरंत मिलनी चाहिए ऐसे जने को जिसके खिलाफ चार्ज सिर्फ इतना है कि भाई उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन करी, मान लीजिए इंफॉर्मेशन पास ऑन करी, वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जिससे कोई क्राइम हो रहा हो, तो इसलिए बेल डिनाई करने का कोई औचित्य नहीं है। यही मैं आपसे कहना चाहता था। धन्यवाद।